हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोले चिबड़। मैं राम कुमार कन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोले चिबड़ में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस साल वैकेंसीज काफ़ी आपको देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन इस बार लगातार आपको देखने को मिलेंगे। चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम ही क्यों ना हो, लेकिन डेफिनेटली इस बार रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। काफ़ी ह्यूज वैकेंसीज इस साल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाएगी, लेकिन हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा ये हो सकती है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन आपको लगातार देखने को मिलेगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ECGC जिसमें मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशन की बात की है कि कौन कौन से नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिलेंगे, उसी के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि ECGC PO की जो नोटिफिकेशन है आपको हाल ही में देखने को मिलेगी। तो आज उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में। आज ECGC PO का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आज से यानी कि 21 मार्च से 20 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। पेमेंट भी 20 अप्रैल तक आप कर सकते हैं और इसका जो SC ST और ST कैटेगरी वाले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर लेना चाहते हैं, उनका 25 अप्रैल से कॉल लेटर भी वो डाउनलोड कर पाएंगे। और फिर उनका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मई में करवा लिया जाएगा। और इसके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो होंगे ECGC PO के, इसके जो एडमिट कार्ड है फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको सभी लोगों के लिए डाउनलोड कर पाएंगे आप, ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इसके ऑनलाइन रिटेन एग्ज़ाम जो है 29 मई को आपके शेड्यूल्ड हैं। मैं बता दूं कि इसके जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें प्रीलिम्स और मेंस वाला फंडा नहीं है, इसमें सिर्फ एक मेंस लेवल का ही एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। और फिर इसका जो आपके जो एग्ज़ाम्स जो 29 मई को लिए जाएंगे उसका रिजल्ट भी 15 से 19 जून के बीच में दे दिया जाएगा और इंटरव्यू जुलाई या अगस्त में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब सबसे पहले बता दूं कि वैकेंसीज़ कितनी है उसकी बात करूं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है SC के लिए 11, ST के लिए 10, OBC के लिए 13, EWS के लिए 7 और अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 34 यानी कि 34 वैकेंसीज़ है। टोटल 75 वैकेंसीज़ ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रिलीज़ कर दी गई है। और मैं बताऊं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि जिनका भी एज 21 साल से 30 साल तक है, जिनका ओवर एज हो गया है, जो 30 के अंदर है, 20 कलर के नहीं भर सकते हैं, वो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करें। अगर आपकी एज 30 साल है तो आप इस फॉर्म को फिल करें, डिटेल में नोटिफिकेशन ज़रूर जाकर देखें। और क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बैंकिंग जैसा कि आप बैंक PO या IBPS PO या SBI PO फॉर्म फिल करते हो, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी फुलफिल किया जा रहा है। बस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे और 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स ड्यूरेशन। कंप्यूटर नॉलेज के लिए यहाँ पे एक एडिशनल है जो कि IBPS PO में नहीं दिया जाता, जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर लिखा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन ना के बराबर ही रहते हैं, तो यहाँ पे लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स 10 मिनट दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स 20 मिनट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 40 मिनट्स के लिए दिए जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स के लिए आपको 140 मिनट्स के एग्जाम्स देने होंगे। जैसे ही आपके ये 140 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसी तुरंत आपके स्क्रीन पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको ओपन हो जाएगा जिसमें कि एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दिया जाएगा आपको, जिसमें से एसे राइटिंग है तो उसमें दो ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपको किसी एक में आपको उसमें टाइप करना है, लिखना है, और ये टाइपिंग आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के द्वारा ही करनी होगी। और प्रीसियस राइटिंग में भी आपको दो ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको कोई एक जो भी आप अच्छे से लिख पाओ वो आप इसमें एक चूज करके लिख सकते हो। और दोनों के लिए 40 मिनट्स आपको कंपोजिट आवर दिए जाएंगे, कंपोजिट टाइम 40 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये ओवरऑल वैकेंसीज अच्छी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन जाकर जरूर देखें। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।